के बानी पीटीआई ने तोहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाक हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तोहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, कमीशन के पास तोहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया जो गैर कानूनी है। आपको एक बार फिर इस हवाले से बताएं कि बानी पीटीआई ने तोहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, मजीद क्या मौकिफ अपनाया गया? आज बिल्कुल, दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तोहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, कमीशन के पास तोहीन कमीशन की कोई कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त ने यह भी मौका इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के जेल ट्रायल करने के फैसला कल अदम करार दे और अदालत ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म देने के साथ साथ दरख्वास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की सलाह की गई है और बानी पीटीआई ने तोहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद थे।